वैसे तो आप मोदी जी के खिलाफ बहुत बोलते हो, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी पे आप, जहां पे चाइना की बात आती है, देखिए वहां पे आपने बहुत अगर मोदी कुछ अच्छा करेंगे, मैं ये नहीं हूं कि जो भी मोदी करेगा वो तो बहुत संक्षिप्त में क्या अच्छा किया है 2014 से 2021 तक चाइना की को डील करने के लिए, पाकिस्तान को तो हमको पता है। तो बहुत सारी चीजें की, पहला तो इंफ्रास्ट्रक्चर है। क्या किया कि जब से 2019 में उन्होंने, तो देखिए पहले, इसके पहले जो वो सिक्किम के पास जो हुआ था ना, क्या था वो डोकलाम में उस टाइम मैं एक ही ये बंदा था जो टिबेट से रिपोर्ट कर रहा था, तो अच्छा। टिबेट में 100 किलोमीटर डोकलाम की 100 किलोमीटर अंदर टिबेटन साइड से, चाइनीज साइड से मैं होके आया हूँ। उधर जो जो सब बकवास इधर फैलाया जा रहा था कि उधर चाइना इतना सारा ये ला के आया, पीछे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। ठीक है, उनके शिगात्से में, लासा में जो आर्मर और ट्रक्स और वो सब थे ही नहीं फॉर आर्मर्ड ऑफेंसिव और एनीथिंग लाइक दैट, तो कुछ था ही नहीं उधर उस टाइम पे। और फिर वुहान में जो भी उन्होंने गेन्स किया था ऑन लैंड डोकलाम में, क्योंकि डोकलाम में मैं आपको बता सकता हूं कि जब मैं बीजिंग गया था उसी विजिट पे, को पता नहीं था कि भाई हिंदुस्तान ने किया क्या है। अच्छा। हमने सोचा था हम हमेशा यही करते आते हैं और हिंदुस्तानी हमको करने भी देते हैं, इस बार क्या हुआ कि हम इतना, we genuinely did not understand. So for the first time in almost 30-40 years we had them on the back foot. और वो वुहान में जाके हमने, पता नहीं क्या हुआ वुहान में, फिर उन्होंने वो रास्ता कंप्लीट, भूटान ने, भूटान की भी, अरे भूटानी लोग, भूटान में सब ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस के बारे में बात करते हैं, कोई भी बात नहीं करना चाहता है कि वो अपना एक चौथाई पॉपुलेशन को उतने एथनिक क्लेंस करके बाहर भेजा दिया है। 2% का घटिया स्टेट है, अगर आप राजा बहुत डेमोक्रेट बनते फिरता है, कुछ डेमोक्रेसी नहीं है, राजा के खिलाफ कुछ बोलो देखो कब तुम्हारी बीबी बच्चे जिंदा रहेंगे कि नहीं करके, चुपचाप से किया जाएगा। वो बोलेंगे ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस, वो बहुत खुशी से पहाड़ से गिर गए और महाराजा की जय बोलते बोलते पहाड़ से गिर गए। वो राजा भी है, उसके मंत्रीगण भी है, वो एक पूरा स्थान है, क्या नहीं है स्थान है। तो एक डोकलम हो गया, सुचुतान और सिक्किम के बीच वो जो हुआ था, भाई एडिट कर दी तो छोड़ दो इसको, हाँ जो भी है। तो उधर हुआ, they learned the lessons कि वुहान में हमने कुछ गलती कर दी, क्या गलती कर दी हमको अभी तक पता नहीं है, बट they learned the lessons। सो 2019 में जैसे ही swearing in हुआ मोदी को, इतना सारा उधर इंफ्रास्ट्रक्चर हमने बिल्ड करना शुरू कर दिया आफ्टर इलेक्शन, इमीडिएटली आफ्टर द इलेक्शन। इट स्टार्टेड समटाइम बिफोर द इलेक्शन बट कंटिन्यूड, रियली पिक्ड अप पेस आफ्टर द इलेक्शन। ठीक, और लोग मानते हैं कि हम ही हमने अब तक समाधान नहीं किया है चीन के साथ। क्यों हमने समाधान नहीं किया है? क्योंकि हम इतना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना चाहते हैं, चाइना का इक्वल इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करके बोलेंगे अब स्टेटस को बनाते हैं, तो जो मैंने अपने बना दिया है वो यहाँ रहेगा, आप ज्यादा नहीं बनाओगे। तो उनका मेन डिमांड यही है कि तुम ये रोड सब रोको, और हम बोल रहे हैं नहीं रोकेंगे। तो हमारे ही एडवांटेज में है कि ये चलता रहे जब तक हमारे रोड फोर्ड सब बन के खत्म ना हो, रोड एयरपैड जो भी बन रहे हैं, टनल्स जो भी बन रहे हैं, और असली में जब हम सैटेलाइट में देख रहे हैं इतने शानदार बन रहे हैं कि मैंने ऐसे इतने जल्दी जल्दी बनते हुए हिंदुस्तान में देखा नहीं। तो ये डोकलम के पास नॉर्थ ईस्ट में या लद्दाख में? पूरे पूरे में, अरुणाचल में नहीं हो रहा है, बट एवरीवेयर एल्स दैट आई एम सीइंग इट्स हैपनिंग वेरी वेरी रैपिडली। दिस इज वन वेरी गुड थिंग। सेकेंड गुड थिंग दैट हैपेंड वाज, उन्होंने जो पाकिस्तान के खिलाफ जो रिस्पॉन्स था उसको एयर सेंट्रिक बना दिया। एयर सेंट्रिक माने क्या होता है, देखिए अगर आप एक लड़ाई जीतना चाहते हैं, आपने मेरे पे वार करो हाथ से, हाँ तो मैंने भी ऐसे ही कर दिया, हम ऐसे एक दूसरे को थप्पड़ कबड्डी की तरह थप्पड़ मारते रहेंगे और टेरिटरी का तो कुछ होगा नहीं, कुछ होगा नहीं। अगर मैंने आपको असली आपको मार के आपको वो आपका वो माइक छीनना है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, चुपचाप से आपके पीछे से आके आपके पीठ के अंदर खंजर मारना पड़ेगा। हम कभी भी नहीं करते थे, क्योंकि इसे कहते हैं फोर्स ऑन फोर्स, आर्मी पे आर्मी इस्तेमाल किए जाओ, तोप पे तोप, बंदूक पे बंदूक। हमने क्या किया, जब वो पुलवामा सुसाइड अटैक हुआ था, पहली बार हमने अपना एयरफोर्स लेके उस
स्टेशन को नहीं मारा था जहां से अटैक प्लान हुआ था, हमने डीप नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के अंदर बालाकोट को मारा था, पाकिस्तान प्रॉपर। और उसमें वैसे वो पाकिस्तान नहीं, वो अफगानिस्तान है, लेट अस बी क्लियर अबाउट इट। इज आई डोंट एक्सेप्ट नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस एज अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान, इट इज अ पार्ट ऑफ अफगानिस्तान इन माई ओपिनियन, बट ठीक है मान लो पाकिस्तान का पार्ट है। तो उधर मारा था, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था क्योंकि जो उधर जो टेररिस्ट थे वो एक किस्म से मास्टर्स क्लास इन टेररिज्म था, एमए टेररिज्म का दिल्ली पीएचडी स्टूडेंट थे। तो आपने क्या किया उधर, ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम को मार डाला। और अगर आपने सब अध्यापकों को मार डाला तो अगले जनरेशन के जो टेररिस्टों के नाजायज औलाद होंगे उनको कौन पेशा सिखाएगा, खानदानी पेशा। तो आपने उनको 5-7 साल आपने पीछे कर दिया है उनके टेररिज्म के प्लान्स में। तो ये भी बहुत अच्छा चीज हुआ, ठीक है ना। पर इसमें प्रॉब्लम क्या है कि डिसीजंस इतने पर्सनलाइज होते हैं कि आपको पता नहीं है कि कब फुल 180 डिग्री टर्न होगा। जैसे कि चिदंबरम ने जो बलूचिस्तान में जो ये था इंसर्जेंसी था उसको बहुत अच्छी तरह से बढ़ावा दिया था। जैसे ये सरकार ने 2014 में लिया एकदम खत्म कर दिया। अब क्यों खत्म किया ये मैं जानता नहीं,